हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल स्टेइंग सेफ एट होम एंड यू आर ऑल फाइन. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर सेकंड पोम द स्पैरो. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम द स्पैरो? हियर यू सी व्हाट इज़ इन द पोम. अ बर्ड विच इज़ वेरी स्मॉल ब्राउन इन कलर. We have already known what is a sparrow and who is a sparrow. Sparrow is a little bird we used to see every day in the morning. We used to listen to the sound of the sparrow. What is the sound it makes? Sparrow kis tarah ki sound karti hai? Chirp sound. CHIRP. Chirp sound. The sound which is made by sparrow is called chirp. So this poem is about a sparrow. Let's start. So in the poem Sparrow we have 5 stanzas, and this poem is written by anonymous. Anonymous means होता है we doesn't know the name of the poet, जिसमें हम poet का name नहीं जानते हैं, that is called anonymous. ठीक है. Glad to see you little bird, 'twas your little chirp I heard. So t, जहाँ पे t लिखा है, t was means होता है it was. ठीक है. So poet is saying that glad to see you little bird तुमको देख के मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ. इट वॉज़ योर लिटिल चर्प, ये तुम्हारी लिटिल चर्प ही है, लिटिल चहचहाट ही है. ठीक है. जो बर्ड की जो साउंड होती है, मैंने बताया था वो चर्प होती है, तो उनकी जो चीची की जो चर्प सुनता हूँ, तुम्हारी चहचहाना सुनता हूँ, मुझको बहुत ज़्यादा खुशी होती है. वॉट डिड यू इंटेंड टू से? इंटेंड मीन्स, वॉट इज़ द मीन ऑफ इंटेंट? इंटेंट मीन्स होता है प्लान. ठीक है. तो तुम क्या प्लान कर रही हो कुछ कहने के लिए? वॉट डिड यू इंटेंट टू सी? गिव मी समथिंग दिस कोल्ड डे. तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे कुछ दो. मुझे, गिव मी समथिंग मीन्स मुझे कुछ दो. इन दिस कोल्ड डे, इस ठंड के मौसम में तुम मुझे भी कुछ दो. ठीक है. तुम क्या कहना चाहती हो? गिव मी समथिंग दिस कोल्ड डे, और इस कोल्ड डे में मुझे भी कुछ दो. Now come to the next stanza. That I will and plenty too, all the crumbs I save for you. मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें मीन्स जितने भी crumbs, crumbs means होता है small piece of food. ठीक है. small piece, very small pieces of food, कि food के जो बहुत ही छोटे छोटे pieces होते हैं. Now see, यहाँ पर जो है poet जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और ये लिटिल बर्ड है उसको देख करके बोल रहे हैं कि मेरी टेबल पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी क्रम्स मैंने रखे हैं, मेरे पास जितनी भी चीज़ें तुम्हारे लिए मैंने सेव करके रखी हैं, बचा कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी हुई हैं. डोंट बी फ्राइटेंड, हियर्स अ ट्रीट, आई विल वेट एंड सी यू ईट. डोंट बी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है कि डरो नहीं. ठीक है. डरना नहीं है. सो आप मेरे से बिल्कुल मत डरो. हेयर इज़ अ ट्रीट, कि यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ट्रीट है. आई विल वेट एंड सी यू ईट, और मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा कि तुम कब आओगी और यहाँ पर आकर खाओगी. ठीक है. तुम्हारे लिए ट्रीट रखी है. ट्रीट मीन्स पार्टी, जस्ट लाइक पार्टी, कि मैंने तुम्हारे लिए ट्रीट रखी है, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हैं, क्रम्स रखे, और आप यहाँ पर आओ और आकर के यहाँ पर खाओ. ठीक है. मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कब यहाँ पर आओगी और कब इसे खाओगी. नेक्स्ट स्टैंजा. शॉकिंग टेल्स आई हेयर ऑफ यू. तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सारी शॉकिंग टेल्स सुनी हैं. ठीक है. चर्प एंड टेल मी, बोलो, अपनी साउंड करो, एंड मुझे बताओ, आर दे ट्रू, क्या वो सही हैं? आर दे ट्रू, क्या वो सब सच है? Robbing all the summer long, don't you think it very wrong? So robbing all the summer long means कि पूरे summer, जितना भी summer days होते हैं उसमें तुम robbing करती हो. Robbing means चुराती हो. क्या चुराती है बर्ड जो छोटी छोटी?
दाना या अनाज चुराती हैं, ठीक है। सो तुम जो है पूरे समर क्या चुराती हो, दाना या अनाज जो होते हैं, ग्रेन्स होते हैं ना, उनको चुग चुग के खाती हैं बर्ड्स होती हैं। तो उसने यही बात बोल रहा है, पोएट जो है उनसे बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी शॉकिंग टेल्स भी सुनी हैं, तो मुझे बताओ क्या ये चीज़ें सही हैं कि तुम जो है समर डेज में समर टाइम में जो है रॉबिंग करती हो, चुराती हो, अनाज चुरा चुरा कर खाती हो। क्या तुम्हें लगता है, डोंट यू थिंक इट वेरी रॉन्ग, तुमको नहीं लगता है कि ये बहुत ही गलत है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, थॉमस सेज, थॉमस जो है उनका कोई फ्रेंड होगा पोएट का, ठीक है, या भी कोई होगा, समवन होगा। थॉमस सेज यू स्टील हिज व्हीट, थॉमस ने मुझे बताया कि आप जो है उसके गेहूँ स्टील करती हो। लिटिल बर्ड, आप उनके व्हीट को, गेहूँ के दाने जो होते हैं छोटे छोटे से, उनको स्टील करती हो, चुराती हो। और जॉन कंप्लेन, जॉन ने मुझे कंप्लेन की है, हिज प्लम्स यू ईट, और उसके जो प्लम्स होते हैं वो तुम ईट कर लेती हो, खा लेती हो। चूज द राइपेस्ट फॉर योर शेयर, नेवर आस्किंग हुज दे आर। आप यहाँ पर आकर अपने शेयर का, अपने हिस्से का, जो भी पका हुआ फल है या जो भी पके हुए अनाज हैं उसको आकर चूज कर सकती हो। नेवर, आप बिना ये पूछे कि ये किसके हैं, नेवर आस्किंग हुज दे आर, बिना ये पूछे कि ये किसके हैं, आप यहाँ पर आओ मेरी टेबल पर आ कर के अपने पके हुए अनाज और फल जो भी आपको खाने हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपका शेयर है, जो आपका हिस्सा है। नाउ दिस इज़ आर लास्ट स्टैंजा, बट आई विल नॉट ट्राई टू नो, लेकिन मैं कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं करूँगा, व्हाट यू डिड सो लॉन्ग एगो, कि तुमने जो है पहले क्या क्या किया है, तुम्हारा जो पास्ट था, तुमने क्या क्या किया है कुछ टाइम पहले, वो कुछ भी मैं तुमसे जानना नहीं चाहूँगा। दे इज़ योर ब्रेकफास्ट ईच अवे, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रखा है, देखो यहाँ टेबल है, कप ऑफ टी है, वो जो पोएट है वो पी रहा है, और यहाँ पर कुछ क्रम्स भी पड़े हुए हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ फूड भी पड़े हुए हैं, कि बस तुम यहाँ पर आ जाओ, आओ मेरे पास और नाश्ता करो, ठीक है, ब्रेकफास्ट करो। सो यहाँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट रखा है, कम आओ एंड खाओ और जाओ, ठीक है, ईट अवे, यहाँ पर आओ खाओ और चली जाओ। कम टू सी मी एवरी डे, और ऐसे ही मुझसे मिलने रोज़ आया करो, ठीक है, कम टू सी मी, और रोज़ जो है डेली, एवरी डे मीन्स डेली, कि डेली मेरे से मिलने के लिए आया करो आप। तो यहाँ पे हमारी जो पोम है ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ मीन ऑफ इंटेंट, इंटेंट का मीन क्या होता है। सो इंटेंट मीन्स होता है हमारा प्लान करना किसी चीज़ को, ठीक है, इंटेंट मीन्स बहाना बनाना भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रम्स, क्रम्स, तो क्रम्स का मीन क्या होता है, जो स्मॉल फूड होते हैं, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पीसीज ऑफ फूड। सो बहुत छोटे छोटे फूड के जो स्मॉल पीसेज होते हैं, क्योंकि चिड़िया तो बहुत छोटा छोटा खाती है, बर्ड जो बहुत छोटा छोटा चुगती है दाना, है ना, तो बहुत छोटे छोटे जो पीसेज होते हैं फूड के, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। ओके, सो आपकी जो पोम है ये कंप्लीट हो गई है, थैंक यू।